में बीजेपी द्वारा किया गया मेले का आयोजन। ये मेला सिंधी लोगों के नए साल की शुरुआत पर रखा गया। जैसे मराठी समाज के लोग नए साल का शुभारंभ गुड़ी पड़वा से करते हैं, वैसे ही सिंधु लोग में चिटी चांद नाम का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे पाकिस्तानी भी नए साल के रूप में मनाते हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह बनाया जा रहा है। देखा जाए तो ये एकत्र होने का एक साधन है। जैसे हमने लोकमान्य तिलक जी ने गणपति शुरू किया, इस तरह चिट्टीचंड का मेला भी एक साधन है। मगर सिर्फ हमको एक साथ मिलके ऐसे प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, अपने को दिल और दिमाग से मिलके आगे करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। और जो हमारी जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ हम भाजपा को और अधिकारियों को न देख के हम सब मिलके एक साथ मिलके, जैसे हमको वालन जी जैसे हमारे साथ हैं, ऐसे सब मिलके अगर हम साथ में करें तो ये जो दूरियां हैं, जो तकलीफें हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। हर प्रोग्राम जो हिंदू संस्कृति जहाँ टिकनी होनी चाहिए, यहाँ बढ़नी हो चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। सिंधी हमारे हिंदू और सिंधु भाई भाई है, और हर त्यौहार जैसे बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, वैसे सिंधी भाइयों का जो भी नया साल है बड़े पैमाने पे चेंबूर में हमेशा मनाते हैं। हरीश कटारे जी, विजय राजपाल, लक्ष्मण कन्नन जी है, हमारे सूरज अमलानी जी है, ये सभी हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में ये प्रोग्राम मनाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जो पार्टीशन के टाइम जितने भी सिंधी भाई हमारे यहाँ पे आ गए हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में और देश में, तो उनको पूरे हक में काम होना चाहिए। काफ़ी बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी, और हमारा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का और चेंबर मंडल के नाते ये पूरा प्रयास हम केंद्र तक लेके जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके ये उनकी जो भी मुश्किल है वो आसान कर दे। इस त्यौहार में इष्ट देव उदेरो लाल की पूजा की जाती है, जिन्हें जुलल देव के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो हर साल इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। ये तो यहाँ पे सिंधी समाज चेंबूर विभाग में जब से रहने आए हैं तभी से ये सिंधी वर्ष नववर्ष की शुरुआत इस विभाग में होती जा रही है, और इस साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी और सिंधी सेल जो है भारतीय जनता पार्टी का, उस विभाग की ओर से इस विभाग में सिंधी सेल मतलब चेटीचंड मेला का आयोजन किया गया है सिंधी सेल की तरफ से। देखिए अभी तो पहले हमने यहाँ पे बड़ा झूलेलाल मंदिर है हमारा इंदिरा नगर से, वहाँ से हमने झूलेलाल भगवान की पालकी लेके वहाँ पे महिलाएं सब शगुन की कलश लेके यहाँ पे महिलाएं सब युवक युवती सब मिलके उल्लास के और प्रसन्न के साथ ये पालकी लेके यहाँ पे आए हैं, और इसी प्रकार से ये नववर्ष मनाया जा रहा है जी। और सब यहाँ के विभाग के सिंधी भाई बहन और वो दूसरे भी भाषिक इस विभाग के जो रहने वाले, आप देखेंगे पीछे सब समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और भाईचारा के इसके नाते यहाँ पे सिंधी नववर्ष का आयोजन किया और उसका स्वागत करने के लिए सब समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये सिंधी जो सिंधी गुड़ी न्यू ईयर है हर साल मनाया जाता है। बचपन से मैं देख रहा हूँ, जब से हमारे अशु जी थे सबसे पहला नवजन में होता था, तो बचपन से देखते आ रहे, नवजन में हो रहा है। अभी एक दूसरा मेला है जो जिमखाना में होएगा, बैरक में ये फर्स्ट टाइम है, इतनी बड़े इसे ले रहे कि बैरक के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए। और जो जैसे सिंधी लोग आदमी भूलते जा रहे, कमती होते जा रहे, तो ये गाने सुन के जो हमारे घर के लोग हैं जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, वो कम से कम इधर बाजू में आके गाना सुन सकते हैं कि भाई हमारे कल्चर में भी ऐसे गाने हैं जो हमने सुने नहीं हैं। तो ज़्यादा के ज़्यादा हम लोग उनको ही, बच्चे लोग ज़्यादा देखेंगे इधर आए हुए जो मज़े ले रहे गाने के, उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारे सिंधी भाषा में भी ऐसे ऐसे गाने हैं, नहीं तो आज के पिक्चर के गाने देख रहे। तो ये कल्चर अभी इस साल आप देख रहे जो पब्लिक, अगले साल इससे डबल होएगी, वो जगह भी हम बड़ी देखेंगे इसके लिए।